जय श्री कृष्ण। एलजे टेनेट में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ ये डेजर्ट कटोरी। ये देखने में जितना सुंदर है उतना ही खाने में भी टेस्टी है, और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। इस तरह से कि कटोरी बनाकर आप 1-2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे या आपके घर मेहमान आए तो इस तरह से सर्विंग करके आप दे सकते हैं। और इसमें आप आइसक्रीम की स्टफिंग या चॉकलेट की स्टफिंग या ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स, आप कोई भी अपने मिठाई या किसी भी तरह की स्टफिंग डाल के इस तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं। यह बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये कटोरी डेजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम कटोरी बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें 2 चम्मच देसी घी डाला है। इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हो या वनस्पति घी यानी डालडा भी ले सकते हो। 2 चम्मच पिसी हुई चीनी यानी पाउडर शुगर और 1 पिंच यानी चुटकी भर नमक डालेंगे, और अभी इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा घी और चीनी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, ये भी इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मसलते हुए पूरे आटे को मिक्स करना है। ये देखिए हमारा आटा एकदम अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अभी ये नॉर्मल पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सख्त आटा गूंद लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। ये आटा भी हमारा लग के तैयार हो गया है। इसे इस तरह से इतना सख्त गूंदना है। इसे गूंदने के लिए मुझे लगभग 1/2 गिलास पानी लगा है। अभी इसको ढककर 5 मिनट तक रेस्ट होने देंगे, जिससे हमारा आटा एकदम अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट बाद हमारा आटा भी सेट हो गया है। देखिए ये अच्छे से सेट हो गए हैं। अभी इसको 2 भागों में करेंगे। और इस तरह से एक इसकी लोई तैयार करेंगे और इसकी एक चपाती बेलेंगे। अभी थोड़ा सा सूखा आटा इधर डस्ट करेंगे थोड़ा इसके ऊपर, और इसकी एक चपाती बेलेंगे। इस तरह से एक इसकी चपाती बेलेंगे। इसकी मोटाई इतनी रखनी है। अभी इस तरह से एक कुकिंग कटर लेंगे और इसको इस तरह से कट करेंगे। अभी इसको इसमें से हटाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बेस तैयार होगा। अभी जो हमारा आटा ये बच गया है, इसको फिर से आटे में मिक्स करके फिर से इसकी लोई बनाएंगे और इस तरह से इसको कट करेंगे। ये हमारे सभी फ्लावर्स इस तरह से कट के तैयार हो गए हैं। अगर आपके पास इस तरह से कटर नहीं हो तो आप कटोरी या गिलास से भी कर सकते हो। इसके लिए इस तरह से एक चपाती लें और इस तरह से कटोरी या गिलास कुछ भी लें और इसको इस तरह से कट करें, और फिर इसको इस तरह से शेप दें। इस तरह से फ्लावर शेप दें और इसको इधर से सेट करते हुए इसको फ्लावर का आकार दें। ये हमारा बिना कटर के भी फ्लावर तैयार हो गया है। आप बिना इस तरह के कोई भी कटर हो तो आप गिलास या कटोरी से कट करके इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो अभी हम इनको फ्राई करेंगे। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहे तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। इसके लिए बेक करने के लिए जो हम मफिन्स बनाते हैं, जो प्लास्टिक के जो गिलास होते हैं जो या कप होते हैं उनके ऊपर सेट करके हम बेक कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम मैं फ्राई कर रही हूँ। इसके लिए मैंने इस तरह से गिलास, छोटे गिलास और छोटी कटोरियाँ ली है,
क्योंकि हमारे ये फ्लावर्स भी छोटे हैं, अगर बड़े हो तो इस तरह से बड़ी कटोरी भी ले सकते हो। जैसे हमारा ये बड़ा है तो हम इसमें बड़ी कटोरी में बनाएंगे, लेकिन ये छोटे हैं तो छोटे ये कटोरी गिलास या कुछ भी ले सकते हो। इसमें हम इसको सेट करेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक छोटा वाला गिलास लिया है, उसको इस तरह से तेल से चारों तरफ से ग्रीस करेंगे। फिर एक फ्लावर लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। इस तरह से सेट करेंगे। इसी तरह से इस कटोरी पे भी तेल लगाएंगे और इसको इसके ऊपर सेट करेंगे। आपको जो अच्छा लगे या जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। इस तरह इसके इसके ऊपर सेट करेंगे। इसी तरह से इसके ऊपर भी सेट करेंगे और जो बड़ा वाला है वो इसके ऊपर सेट करेंगे। यानी अगर आपके पास छोटे बर्तन नहीं हो तो आप इस तरह से बड़ा बनाए और फिर इसके ऊपर ऐसे घर में जो नॉर्मल कटोरी या गिलास होता है उसके ऊपर सेट करें। इस तरह से कटोरी पे तेल लगा लें और इस तरह से इस पर सेट करें। अभी हम इनको फ्राई करेंगे। ये तेल भी हमारा गर्म हो गया है, अभी हम हमारी कटोरियाँ फ्राई करेंगे। इसके लिए ये गिलास वाली कटोरी लेंगे और इस पर इस तरह से एक दो कट मारेंगे ताकि ये फूले नहीं। और अभी इसके अंदर छोड़ेंगे इसी तरह से, दूसरी पे भी कट लगाएंगे। इसको इसके तेल के अंदर छोड़ेंगे। इस टाइम गैस को स्लो ही रखें, स्लो गैस पे इसको पकाना है। देखिए जैसे जैसे ये पकेगी गिलास अपने आप बाहर आ जाएगा। देखिए इसने कटोरी को छोड़ दिया है। इसी तरह से चाकू से थोड़ा सा प्रेस करते हुए गिलास को भी हटाएंगे। जो गिलास में तेल था वो इसके अंदर डालेंगे ताकि ये ऊपर से भी फ्राई हो जाए। इनको इस तरह से पलटी करते हुए अच्छे से पकाएंगे। इसको पकने के लिए 2 से 3 मिनट लगता है, लेकिन पूरा प्रोसेस स्लो गैस पे ही करना है। इसी तरह से बार बार पलटी करते हुए दोनों तरफ अच्छे से पकाएंगे। देखिए ये कटोरी हमारी अच्छे से पक गई है। इसको इस तरह से बाहर निकालेंगे। इस तरह से इसको उल्टी रखें ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो बाहर निकल जाएगा। देखिए ये कटोरी देखने में कितनी सुंदर लग रही है ना। आप इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी आपका खाने का मन हो आप इसमें कोई भी डेजर्ट डाल के खा सकते हैं। इसी तरह से सारी कटोरियों को फ्राई करेंगे। ये हमारी सभी कटोरियाँ फ्राई होकर रेडी हो गई है। अभी हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए कुछ कटोरियाँ लेंगे। आप इसमें स्टफिंग अपने मनपसंद कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसमें ये सेवैयों की खीर है ये थोड़ी डालेंगे और ये गुलाब जामुन और ये ऊपर से ड्राई फ्रूट्स। अभी ये फ्रूट की कटोरी तैयार करेंगे। इसके लिए आप अपने पसंद के कोई भी फ्रूट ले सकते हैं।
मैं इधर पपाया और कीवी लिया है। अभी इसमें एक ऑरेंज इस तरह से रखेंगे। थोड़े से फ्रूट्स ऊपर से और इसी तरह से ये कटोरी भी ये खीर से बनाएंगे। आप इसमें से अपने पसंद के कोई भी डेजर्ट डाल सकते हैं, जैसे आइसक्रीम, रबड़ी या फ्रूट्स या चॉकलेट सिरप वगैरह। आप कोई भी डेजर्ट अपने पसंद के डाल सकते हैं। लीजिए, हमारी कटोरी डेजर्ट बनके तैयार हो गई है। देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है ना, और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी इस तरह से अलग अलग अंदाज में ये डेजर्ट बनाए, खाए और अपने मेहमानों को खिलाए। आपको ये कैसे लगा मुझे बताएं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।